नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रामपुर से मुहिबुल्लाह नदवी को टिकट दिया जा सकता है सपा की तरफ से। संसद मार्ग की मस्जिद के इमाम है नदवी। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रामपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं संसद मार्ग की मस्जिद के इमाम है नदवी। रामपुर के ही रहने वाले हैं मुहिबुल्लाह नदवी। रामपुर में आज नामांकन भरने का आखिरी दिन है और ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्हें प्रत्याशी बनाया जा सकता है। रामपुर से मुहिबुल्लाह नदवी को टिकट दिया जा सकता है। आज रामपुर में नामांकन भरने का आखिरी दिन है क्योंकि पहले चरण में वहां पर लोकसभा का चुनाव होना है। संसद मार्ग की मस्जिद के इमाम है नदवी मुहिबुल्लाह, जिनको समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट दिया जा सकता है। बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की, ये बड़ी खबर है। रामपुर में आज नामांकन भरने का आखिरी दिन है और ऐसे में रामपुर से मुहिबुल्लाह नदवी को टिकट दिया जा सकता है, तो बड़ी खबर सामने आ रही है। रामपुर की सीट पर राड़ देखने को मिल रही है। आपको बता दें ये सीट कभी आजम खान की हुआ करती थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी की तरफ से इस सीट को लेकर मंथन चल रहा था। उम्मीद लगाई जा रही है कि आज जिस तरीके से नामांकन भरने का आखिरी दिन है और ऐसे में रामपुर से मुहिबुल्लाह नदवी को समाजवादी पार्टी उतार सकती है ताकि वो चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी की तरफ से ताल ठोके। संसद मार्ग की मस्जिद के इमाम है नदवी। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। रामपुर के ही रहने वाले हैं, ऐसे में रामपुर के जो लोग हैं उनके बीच में उनकी अच्छी खासी पहचान है क्योंकि वो मस्जिद के इमाम भी हैं और वहीं के रहने वाले हैं। रामपुर में आज नामांकन का आखिरी दिन है, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि रामपुर से मुहिबुल्लाह नदवी को टिकट दिया जा सकता है। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से ही जानकारी सामने आ रही है कि मुहिबुल्लाह नदवी को रामपुर से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बना सकती है लोकसभा का, और ऐसे में देखना होगा कि वाकई में मुहिबुल्लाह नदवी को अखिलेश यादव रामपुर से प्रत्याशी बनाते हैं। तो रामपुर में आज नामांकन भरने का आखिरी दिन है और ऐसे में सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी मुहिबुल्लाह नदवी को टिकट दे सकती है। अब देखना होगा क्या वाकई में समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव कोई बड़ा दांव चलते हैं, मुहिबुल्लाह नदवी को टिकट दिया जाता है और लोकसभा चुनाव में वो समाजवादी पार्टी की तरफ से ताल ठोकते हुए नजर आते हैं। फिलहाल ये सब चीजें तभी साफ होंगी जब समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐलान हो जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ साजिद खान जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। साजिद, रामपुर से मुहिबुल्लाह नदवी को समाजवादी पार्टी टिकट दे सकती है, आज नामांकन का आखिरी दिन है, ऐसे में क्या कुछ उम्मीद लगाई जा रही है? क्या अखिलेश यादव रामपुर में एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि आसिम राजा ने भी समाजवादी पार्टी से पर्चा खरीदा है, लेकिन अब मुहिबुल्लाह की जो चर्चाएं थी वो ज्यादा तेज हो गई हैं। अभी हमने देखा ग्रुप में मैसेज भी वायरल हो रहा है, लेटर भी वायरल हो रहा है कि मुहिबुल्लाह का समाजवादी पार्टी से कंफर्म चुनाव लड़ना तय है रामपुर से। जी, ऐसे में आसिम राजा ने जब टिकट का पर्चा खरीदा है वो किस आधार पर? क्या उनको भी ऐसी उम्मीद है कि अखिलेश यादव उनको रामपुर से टिकट दे सकते हैं? देखिए, रामपुर की सीट पे काफी टाइम से बड़ा उलट फेर रहा है जी। इनमें आपस में ही पता नहीं क्या कुछ खींचातानी है, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि अभी लगभग 3 बजे के 3:30 बजे के बाद 30 तारीख को जो पर्चे वापस होंगे, अब उसमें देखना ये होगा कि मुहिबुल्लाह का पर्चा वापस होता है या आसिम राजा का पर्चा वापस। लेकिन साजिद, ये कंफ्यूजन क्यों है? ये कभी आजम खान की सीट हुआ करती थी, ऐसे में आजम खान का समर्थन किस तरफ देखने को मिल रहा है? क्योंकि खबर आ रही थी कि आजम खान की नाराजगी भी चल रही है कि वो चाहते थे कि उनका कोई उम्मीदवार यहाँ पर उतरे। देखिए, मैं बता दूं, कल समाजवादी कार्यालय से एक कॉन्फ्रेंस जारी हुई थी, उसमें ये कहा गया था कि समाजवादी पार्टी रामपुर जो है वो चुनाव का बहिष्कार करती है। समाजवादी ऑफिस, जो ऑफिस में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद में आज हम देखते हैं कि आसिम राजा
जिन्होंने कल बहिष्कार किया था वही पर्चा खरीदने आए हैं। ये बड़ी सस्पेंस की बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल, अब देखना होगा कि ये सस्पेंस कब तक खत्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। रामपुर की लोकसभा सीट को लेकर घमासान जारी है। आसिम राजा ने सपा के नाम से पर्चा खरीदा है। अभी अभी पर्चा लेकर कुछ ही देर पहले वो बाहर निकले हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने अपने नाम से पर्चा खरीदा है। रामपुर से समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष भी हैं आसिम राजा। रामपुर में आज नामांकन भरने का आखिरी दिन है। तो एक तरफ जहां मोहिबुल्ला नदवी की चर्चा जोरों पर है कि उनको रामपुर से समाजवादी पार्टी टिकट दे सकती है, ऐसे में आसिम राजा ने भी समाजवादी पार्टी की तरफ से उनके सिंबल पर पर्चा खरीदा है नामांकन का, क्योंकि आखिरी दिन है। अब ऐसे में रामपुर सीट को लेकर ये जो सस्पेंस बरकरार है, ये देखना होगा कि ये अखिलेश यादव इसको कैसे सॉल्व करते हैं और ये जो सस्पेंस है ये कब तक खुलता है, सामने आता है, ये तस्वीर कब तक साफ होगी, क्योंकि नामांकन का आखिरी दिन है और कुछ ही देर में ये साफ हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से आखिर रामपुर का उम्मीदवार कौन है। फिलहाल आसिम राजा के लिए खबर आ रही है कि उन्होंने रामपुर में समाजवादी पार्टी के संबल पर नामांकन पर्चा खरीदा है। उनका कहना है कि वही लोकसभा के उम्मीदवार होंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन जो चर्चाएं चल रही हैं मोहिबुल्ला नदवी के नाम की कि उनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है। वैसे में ये देखना होगा कि आज नामांकन का आखिरी दिन है और कौन समाजवादी पार्टी की तरफ से रामपुर सीट पर उम्मीदवार होता है और कौन बीजेपी के खिलाफ यहां से ताल ठोकता है। तो रामपुर लोकसभा सीट को लेकर घमासान मचा हुआ है और इस समय अखिलेश यादव वाकई किसी कंफ्यूजन में होंगे। आसिम राजा ने सपा के नाम से पर्चा खरीद लिया है। जमा करने आएंगे अभी। अच्छा आसिम साहब, तो ऐसी सूचना है कि नरेश उत्तम साहब आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं, नरेश उत्तम। अब देखिए पता चल जाएगा जी। तो ये पर्चा किस नाम से खरीदा गया ये तो बता दीजिए। पर्चा किस नाम से खरीदा है बताएंगे, वो बताएंगे जी, आप बता दो ना। अरे बता तो दीजिए आसिम साहब, आप तो बता दीजिए। आसिम राजा साहब के नाम। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आजम खान ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। अखिलेश चुनाव नहीं लड़े तो बहिष्कार करेंगे। आजम खान ने जेल से समर्थकों को चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा अखिलेश यादव अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो वो लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। रामपुर में हालात चुनाव लायक नहीं है। आजम खान ने अपने समर्थकों को जेल से ये चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा है कि रामपुर में हालात चुनाव के लायक ठीक नहीं है। अखिलेश रामपुर में बगावत से अखिलेश नाराज हो सकते हैं, बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं अखिलेश। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। कल रामपुर में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जिसमें चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया गया था। आजम खान ने जेल से अपने समर्थकों को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखकर आजम खान ने कहा है कि रामपुर में हालात चुनाव के लायक नहीं है। ये आजम खान ने अपने पत्र में लिखा है। रामपुर में बगावत से अखिलेश नाराज है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आजम खान ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। कल इसको लेकर रामपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। अखिलेश चुनाव नहीं लड़े तो वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे, ये आजम खान का कहना है। तो रामपुर में हालात चुनाव के लायक नहीं है, आजम खान का यह कहना है। जेल से अपने समर्थकों को चिट्ठी लिखकर वो ये बात कह रहे हैं। लोकसभा आम चुनाव में रामपुर पहले चरण में है और नामांकन का आखिरी दिन भी आज है, लेकिन नामांकन का समय खत्म होने के पहले अचानक समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के रामपुर की चमरव्वा सीट से विधायक और कई बड़े स्थानीय नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आजम खान के हवाले से चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि सीतापुर जेल में बंद आजम खान ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से कहा है कि रामपुर से वो खुद चुनाव लड़े, अगर अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़े तो चुनाव का किया जाएगा। सब समाजवादी कार्यकर्ताओं ने यह अपील की है अखिलेश यादव से कि रामपुर सीट से अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़े। अखिलेश के लिए मुसीबत बन गई है रामपुर सीट। आज जो किया है चोरी छुपे इन्होंने मीटिंग की और मीटिंग में ऐसे लोग थे जिनके अपने पोलिंग कभी नहीं जीते समाजवादी के। इन लोगों ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया, बिना सोच समझे कहा कि चुनाव को बहिष्कार करते हैं। लोकसभा इतना चाहने वाले, समाजवादी के चाहने वाले जो लोगों ने इतना धक्का लगा है कि हमारे भीड़ लग गई, अभी मुश्किल से हज़ारों आदमी वापस किए हैं कि ये क्या नाटक हो रहा है कि चुनाव को बहिष्कार कर रहे हैं। तो हमने कहा ये चंद लोग समाजवादी के ठेकेदार थोड़ी है रामपुर में,
समाजवादी का 10 लाख आदमी है, लाखों कार्यकर्ता समाजवादी का। तो हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, समाजवादी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो फैसला लेंगे माना जाएगा, जिसे उतारेंगे उसे लड़ाया जाएगा चुनाव, और कोई नहीं लड़ेगा चुनाव, मैं लड़ूंगा। मैं मुरादाबाद लोकसभा सीट पर विवाद बढ़ गया है। मुरादाबाद सीट से रुचि वीरा ने नामांकन भरा है, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। कल एसटी हसन ने यहां पर नामांकन दाखिल किया था। मुरादाबाद से मौजूदा सांसद हैं एसटी हसन, और कल उन्होंने भी नामांकन पर्चा दाखिल किया था, और आज मुरादाबाद सीट से रुचि वीरा ने नामांकन भर दिया है। यानी कि समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार के तौर पर रुचि वीरा ने नामांकन दाखिल किया है आज मुरादाबाद सीट से। फिलहाल की अगर बात करें तो मौजूदा सांसद एसटी हसन ने, और कल एसटी हसन ने यहां से नामांकन पर्चा खरीदा था और नामांकन दाखिल किया था, लेकिन आज समाजवादी पार्टी की तरफ से रुचि वीरा ने नामांकन दाखिल किया है मुरादाबाद सीट से। रुचि वीरा अब समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं। यूपी में 31 मार्च से प्रचार करेंगे पीएम मोदी। मेरठ से प्रचार अभियान की शुरुआत की जाएगी। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी उनके साथ मौजूद होंगे। पहले चरण में पश्चिमी यूपी में वोटिंग होगी, तो मेरठ से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस दौरान चुनाव प्रचार अभियान में उनके साथ आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मौजूद रहेंगे। पहले चरण में पश्चिमी यूपी में वोटिंग होगी, ऐसे में पश्चिमी यूपी की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है। पहले चरण में यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग होगी। यूपी में 31 मार्च से प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले चरण में यूपी की 8 सीटों पर मतदान होगा। मेरठ से अरुण गोविल को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, और ऐसे में मेरठ जो सीट है वो बीजेपी के लिए बेहद खास है, क्योंकि इस सीट को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है अरुण गोविल को लेकर भी, कि जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता है और पब्लिक का समर्थन, जनता का समर्थन उनको मिल रहा है, ऐसे में इस सीट को लेकर बीजेपी आश्वस्त है, और मेरठ से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव नामांकन का आज आखिरी दिन है। पहले चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। उम्मीदवार दोपहर 3 बजे तक नामांकन भर सकेंगे। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 30 मार्च तक है। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी, और यूपी में पहले चरण में 8 सीटों पर वोटिंग होगी। पहले चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। उम्मीदवार दोपहर 3 बजे तक नामांकन भर सकते हैं, और 30 मार्च को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। यानी कि 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए यूपी में वोटिंग होगी। अलग अलग राज्यों की 102 सीटों पर यहां पर वोटिंग होगी। तो लोकसभा चुनाव नामांकन का आखिरी दिन है। यूपी में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी अपनी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे चुके हैं। अब इंतजार है मतदान का। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वरुण गांधी को लेकर भी सस्पेंस बरकरार है। पीलीभीत सीट से वरुण गांधी का टिकट कट चुका है। वरुण गांधी के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस जारी है। सूत्रों के हवाले से एक तरफ जहां ये जानकारी सामने आ रही है कि वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, लेकिन फिर उनकी मांग के लिए यहां पर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार शायद वरुण गांधी चुनाव ना लड़े। फिलहाल वरुण गांधी को लेकर सस्पेंस बरकरार है। पीलीभीत से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। जितिन प्रसाद को उन्होंने इस बार पीलीभीत से बीजेपी प्रत्याशी बनाया है। तो वरुण गांधी को लेकर सस्पेंस बरकरार है पीलीभीत सीट से। फिलहाल वरुण गांधी सांसद हैं, और इस बार उनका टिकट कट चुका है। ऐसे में वरुण गांधी के चुनाव लड़ने पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। पीलीभीत से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा है, और जितिन प्रसाद को, यानी कि मंत्री जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। तो पीलीभीत सीट से वरुण गांधी का टिकट कट चुका है। वरुण गांधी के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस जारी है। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी सामने आ रही है कि पीलीभीत अब, माफ कीजिएगा, वरुण गांधी बीजेपी का दामन छोड़ सकते हैं, अलग हो सकते हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है वरुण गांधी हो सकता है कि इस बार चुनाव ना भी लड़े। फिलहाल पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कट चुका है। जितिन प्रसाद को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया।
ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के एक प्राचीन शिव मंदिर में अज्ञात नकाब पोश चोरों ने मंदिर के गेट का ताला तोड़कर भगवान के कीमती आभूषण और सामान चुराकर फरार हो गए। ग्रेटर नोएडा सूरजपुर थाना एसीपी ने बताया इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। तो ग्रेटर नोएडा की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख रहे हैं कुछ नकाबपोश चोर रात के समय में मंदिर में घुसते हैं, मंदिर के गेट का ताला तोड़कर वो मंदिर में प्रवेश करते हैं और वहां से भगवान के कीमती आभूषण और दान पात्र में रखे हुए रुपए लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। झांसी में रिश्तेदार के साथ घर जा रही गर्भवती महिला ने सफर के दौरान रास्ते में उसकी तबीयत अचानक से खराब हो गई, जिस वजह से ट्रेन में ही महिला की मौत हो गई। वहीं महिला के शव को जेआरपी ने वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर उतारा और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चंदौली जिले में एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। जानकारी के मुताबिक शराब पीने के विवाद में एक व्यक्ति ने साथी पर रॉड से हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को निजी अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और मृतक के शव को बरामद कर आरोपी को हिरासत में लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। दो दोस्त आपस में दारू पी के झगड़ा किए, वहीं पास में पड़ी हुए डंडे से एक दोस्त ने वार कर दिया और स्वयं उसको हॉस्पिटल लेके गया जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया गया है। सूचना के आधार पर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई जिससे सवार चार लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची, चार शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, साथ ही आगे की कार्रवाई में जुट गई। तो बिजनौर में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, तेज रफ्तार कार तो बिजनौर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। अचानक से एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गई जिसमें कार सवार लोग बुरी तरह घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने जब देखा तो तुरंत पुलिस को सूचित किया, पुलिस मौके पर पहुंची। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। के बाद आपका फिर से स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे। अमेठी में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौत हो गई जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही साथ पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लिया और मामले की जाँच शुरू कर दी है। तो बड़ा हादसा हुआ है, इस हादसे में एक की मौत हो गई है और एक युवक घायल बताया जा रहा है। अमेठी से ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। रायबरेली में भी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार महिला समेत तीन लोगों को कुचल दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा। सीसीटीवी के जरिए पुलिस अज्ञात वाहन चालक की तलाश में जुट गई है। वाहन चालक हादसे के बाद से ही मौके से फरार हो गया था। फिलहाल पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और साथ ही साथ शव को पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सूचित किया। रायबरेली में एक पेड़ पर महिला का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की।
रायबरेली के कुड़वल गांव के पास की ये घटना है, जहां पर एक युवक का शव फांसी के फंदे पर पेड़ से लटका मिला। स्थानीय लोगों ने जब शव को देखा तो तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अयोध्या में जहां श्रीराम जन्मभूमि परिसर में तैनात कमांडो को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लग गई, वहीं गोली लगने से कमांडो गंभीर रूप से घायल हो गया। हालत गंभीर देख घायल कमांडो को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल घायल कमांडो की हालत नाजुक बनी हुई है, ये खबर सामने नहीं आई है। फिलहाल इस बात का पता नहीं लगा है कि कमांडो को आखिर गोली कैसे लगी है। फिलहाल सुरक्षा में तैनात कमांडो को गोली लगने की खबर सामने आई है, जिसके बाद घायल कमांडो को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए टीवी 27 न्यूज़।